हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की वीडियो में बात करेंगे EPFO असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 के बारे में। एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए और गुड अटैम्प्ट आपका क्या रह सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता आपके दो शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो जैसे ही शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, कई छात्रों ने बताया कि जो पेपर है किस लेवल का आ रहा है, कैसा आ रहा है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के। तो दोस्तों, पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, सेफ स्कोर भी बताएंगे, पूरा एनालिसिस करने के बाद क्या रह सकती है। सबसे पहले दोस्तों बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम है यहाँ ईजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ना कोई ज़्यादा यहाँ पे ईजी एग्ज़ाम है ना कोई ज़्यादा हार्ड है, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही बात करें सबसे पहले इंग्लिश की, तो इंग्लिश के आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में दोस्तों बात करें आपके पैराजम्बल, रीडिंग कंप्रेंशन, एरर और क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं आप पूछे जा रहे थे। बात करें दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन के लिए, तो रीजनिंग सेक्शन आपका यहाँ पे 35 मार्क्स का था, जिसमें आपको डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रखे थे, और जो रीजनिंग थी आपकी 35 मार्क्स थी। अगर मैथ की बात करें यहाँ पर दोस्तों, आपसे सिंप्लीफिकेशन के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। DI की बात करें तो DI आपके यहाँ 5 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन आए थे आपको, रॉन्ग सीरीज़ भी आई थी इसके अंदर और वर्ड प्रॉब्लम भी दी हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका सेफ स्कोर इसमें क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन वाइज, अगर आपकी बात करें तो इंग्लिश में आपका 19 से 22 होना चाहिए यहाँ पे। मैथ्स रीजनिंग की बात करें हम यहाँ पे, तो 29 to 34 आपका यहाँ पे हो सकता है, और इंग्लिश की बात मैथ्स की बात करें यहाँ पे, तो लगभग 25 से 30 के बीच आपका यहाँ पे जो है सेफ स्कोर रह सकता है सेक्शन वाइज। अब आप बात करें दोस्तों आपका अटैम्प्ट कितना रहना चाहिए यहाँ पे, तो दोस्तों आपका जो अटैम्प्ट है यहाँ कम से कम 78 to 85 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है इसमें जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी कम है और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। तो दोस्तों आप कम से कम मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करके आए होंगे आशा करते हैं हम यहाँ पे। और दोस्तों जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो यही कुछ खास लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए अभी यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है EPFO असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई वहाँ पे जरूर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, और जो कि वैकेंसीज हैं आपके यहाँ पे लगभग 280 के करीब है जो काफ़ी कम है, और जो फॉर्म्स हैं यहाँ पर काफ़ी अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों यही कुछ खास लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।